इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी तकरीबन रेंज 6000 किलोमीटर तक है, और अब भारत ने भी ये टेस्ट करके एक लिहाज से इस टेक्नोलॉजी पे अबूर हासिल कर लिया है, तो उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। सो इंडिया का और पाकिस्तान का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी तो कोई नहीं है। इंडिया इज़ फार मोर पावरफुल, इंडिया इज़ फार मोर कैपेबल देन द पाकिस्तानी मिलिट्री। पूरा भारत बड़ी खुशियां मना रहा है कि जी हमने चीन को भी वाज़े पैगाम दे दिया है, पाकिस्तान को भी वाज़े पैगाम दे दिया है, अब हम एक ही मिसाइल पे बहुत से वॉर हेड्स लगा के और एक ही वक्त में कई टारगेट को हम निशाना बना सकते हैं। इन एवरी सेंस इंडिया हैज़ मोर मनी, इंडिया हैज़ मोर रिसोर्सेज, इंडिया हैज़ मोर कनेक्शंस। तो पाकिस्तान को थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए इस बारे में कि नहीं? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि ये एक काबिले जिक्र एक डेवलपमेंट है। ठीक है, आपने कहा कि नॉन मुस्लिम के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं होने चाहिए, ठीक है, मुसलमान के साथ होने चाहिए। तो आज ईरान के साथ हमारे मसले चल रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारे मसले चल रहे हैं, ठीक है, जंगबंदी, तो फिर वो तो मुसलमान है, उनके साथ फिर तल्लुकात क्यों नहीं अच्छे करते? इंडिया ने सुबह उठना है, चेक साइन करना है, जाके उनको कहना जी हमें ये दे दे, एंड दे विल गेट दैट, सो दे पुट द मनी ऑन द टेबल एंड दे गेट दैट। और भारत इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा असला खरीदने वाला मुल्क बन गया है। सिप्री की अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, जिनके मुसलमान कहते हैं कि शुक्र है हम नहीं पाकिस्तान के लिए, तो आज हम भी कटोरा लेके भाई जा। तो भारत कामयाबी तो भारत की है, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि आफ्टर ऑल भारत चाहता क्या है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है इंडिया की जो अग्निफाइव मिसाइल है जो टेस्टिंग किया है उसने, और उसकी रेंज और ये सारी बातों में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ इंडिया जो है वो चाइना को कॉम्पिटिशन दे रहा है मिसाइल्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, डिफेंस, नेवी और ये सारी चीजों में इंडिया जो है वो चाइना को यहाँ पर टक्कर दे रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं कि भाई जरा देखिए इंडिया जो है अपनी कैपेसिटी से बहुत आगे बढ़ चुका है, हमारे हमसे भी बहुत आगे बढ़ चुका है, और अब कोई कंपैरिजन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं बचा। अब देखिए, इंडिया का पिछले दिनों एक नंबर आया था कि इंडिया ने तकरीबन 22 से 23 हजार करोड़ के हथियार जो है वो एक्सपोर्ट किए थे। अब एक समय था जब इंडिया सारे के सारे हथियार जो है वो इम्पोर्ट किया करता था, आज उस सिचुएशन में है। और पिछले दिनों एक और रिपोर्ट आई थी कि इंडिया जो है वो पूरी दुनिया के अंदर थर्ड लार्जेस्ट वेपन प्रोडक्शन में है, मतलब कर रहा है। तो जब पहले अगर 10 साल पहले सिचुएशन बिल्कुल विपरीत थी, आज जब बदल चुकी है, तो कंपैरिजन ना करके मोटिवेट होना चाहिए, इंडिया से कुछ सीखना चाहिए और ग्रोथ करनी चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। नाजरीन, 11 मार्च को भारत ने अग्नि 5 का एक तजुर्बा किया, और ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV, जो कि एक ही मिसाइल पे 3 वॉर हेड्स लगा देते हैं, उससे भी ज्यादा शायद हो सकते हैं। तो ये बड़ा एक टेक्नोलॉजी है जो कुछ ही ममालिक के पास है, जिसमें P5 कंट्रीज हैं, चाइना, रशिया, फ्रांस, UK और US, और अब भारत ने भी ये टेस्ट करके एक लिहाज से इस टेक्नोलॉजी पे अबूर हासिल कर लिया है, तो उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका ऐलान भी किया जब ये टेस्ट हो गया, उनके नज़दीक का कामयाब तजुर्बा हो गया। तो पूरा भारत बड़ी खुशियां मना रहा है कि जी हमने चीन को भी वाज़े पैगाम दे दिया है, पाकिस्तान को भी वाज़े पैगाम दे दिया है, अब हम एक ही मिसाइल पे बहुत से वॉर हेड्स लगा के और एक ही वक्त में कई टारगेट को हम निशाना बना सकते हैं, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो भारत कामयाबी तो भारत की है, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि आफ्टर ऑल भारत चाहता क्या है? क्या इस खित्ते को हम आर्म्स रेस की नज़र करना चाह रहे हैं? इवन जो हमारे मुआहदे भी हैं वो भी ख़तरे में हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक 2005 का एक मुआहदा है जिसके तहत जब भी हम बैलिस्टिक मिसाइल का कोई टेस्ट करते हैं, तजुर्बा करते हैं, तो हम एक दूसरे ममालिक को, अगर पाकिस्तान कर रहा है तो हम पे लाजिम है कि हम 3 दिन पहले भारत को इन्फॉर्म करें, बताएं, कन्वे करें कि जी हम ये टेस्ट करने जाएंगे 3 दिन के बाद, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे। और भारत पे भी ये लाजिम है उस मिसाइल जो हमारा एग्रीमेंट है उसके तहत कि भारत भी हमें बताए, 3 दिन कबल बताए। लेकिन भारत ने इस दफ़े बताया तो था, कन्वे तो हमें कर दिया था,
लेकिन जो 3 दिन का जो टाइम देना चाहिए वो नहीं दिया। तो भारत ने इसकी हमारे जो जो दो तरफा मुआहदा उसकी भी खिलाफ वर्जी की। थोड़ा सा इस मसले पे बात करते हैं क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशंस तो हैं, पाकिस्तान को जो हमारा डिटेरेंस है उसके लिए भी इम्प्लीकेशंस हैं, चाइना के लिए भी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, और भारत इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा असलाह ख़रीदने वाला मुल्क बन गया है। सिप्री की अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि भारत ने ये जो मर्व जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिज़ाइल है जिसकी तकरीबन रेंज 6000 किलोमीटर तक है, उसका जो टेस्ट किया है, इसकी क्या रिपरकशंस है पाकिस्तान के लिए। तो डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन डिसाइफर, कैन यू हेयर मी? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदद किया, मेहरबानी, थैंक यू। पहले तो आप ये बताइए कि जी कैसे देख रहे हैं आप, भारत तो बहुत खुश है और इस टेस्ट पे, तो पाकिस्तान को थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए इस बारे में कि नहीं? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि ये एक काबिल जिक्र एक डेवलपमेंट है इस खत्ते के तस्वीराती तवाजुन के एतबार से, लेकिन इसके 3 मुख्तसरन पहलू मैं आपके सामने रखूंगा। एक इसका जो है आलमी सियासी पहलू है, एक इसका टेक्नोलॉजिकल पहलू है, और एक इसका तस्वीराती पहलू है। मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि चूंकि इस वक्त जो वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीली आ रही है उसमें अमरीका को भारत से जो तवक्कात हैं, मैं समझता हूँ इसीलिए इस तरह की जो आर्म्स रेस है या जो रैपिड आर्म्स प्रोलिफरेशन और डेवलपमेंट है उसके हवाले से मगरिब में जो है काफी टॉलरेंस पाई जाती है अनलाइक पाकिस्तान। तो ये मैं समझता हूँ एक उसका एक सियासी पहलू है। सो इंडिया का और पाकिस्तान का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी तो कोई नहीं है। इंडिया इज फार मोर पावरफुल, इंडिया इज फार मोर कैपेबल देन द पाकिस्तानी मिलिट्री इन टर्म्स ऑफ पैसे देख लें, इन टर्म्स ऑफ नंबर देख लें, इन टर्म्स ऑफ आप उनका जो मिलिट्री का बजट देख लें, इन एवरी सेंस इंडिया हैज़ मोर मनी, इंडिया हैज़ मोर रिसोर्सेज, इंडिया हैज़ मोर कनेक्शंस, इंडिया कैन बाय द मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम यूरोप, USA, इज़राइल, anyone, इंडिया जिस मुल्क से भी आज के हमने असला खरीदना है तो इंडिया ने सुबह उठना है, चेक साइन करना है एंड जाके उनको कहना है जी हमें ये दे दे, एंड दे विल गेट दैट। सो दे पुट द मनी ऑन द टेबल एंड दे गेट दिस, देयर जिसे कहते हैं ना कि वो अपने टॉयज ले आते हैं वहाँ पे, मिलिट्री टॉयज। सो दे हैव मनी, दे हैव रिसोर्सेज इन दैट। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, उसकी वजह ये है, आप देखें ना, कहा जाता है कि इंडिया के पास कुछ 2200-2300 के करीब एयरक्राफ्ट हैं, दुनिया में 4th नंबर पर सबसे ज़्यादा इंडिया के पास एयरक्राफ्ट हैं, पाकिस्तान के पास अराउंड 1400 से ज़्यादा थोड़ा सा एयरक्राफ्ट है। सो जो ये जो आप समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी तादाद है, ठीक है जी, इंडिया के पास मेरा ख्याल है कुछ 600 के करीब जो हैं वो फाइटर जेट्स हैं, 31 स्क्वाडन्स हैं, इस तरह की तादाद जो है वो इंडिया की हमारे सामने आती है। पाकिस्तान के पास 387 फाइटर जेट्स हैं, ज़्यादा चाइनीज़, फ्रेंच एंड अमेरिकन एयरक्राफ्ट हैं, अब वो फ्रेंच भी पुराने होते जा रहे हैं, अमेरिकन भी पुराने होते जा रहे हैं, हमारे पास सिर्फ चाइना रह गया। लेकिन इंडिया, इंडिया के पास रशियन भी हैं, अमेरिकन भी हैं, फ्रेंच भी हैं, रशियन भी हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान इज हियर एंड भूटान के प्राइम मिनिस्टर के साथ पीएम मोदी की भी मीटिंग्स हुई हैं, सम वेरी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स हैव हैपेंड, एंड एक बड़ा सरप्राइजिंग सा नोट है जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद भूटान जाने की बात कर रहे हैं नेक्स्ट वीक। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, क्योंकि देखिए रीजन नेबरहुड में जैसे मैं काफी फोकस रखता हूँ, नेबरहुड के अंदर काफी चर्न है इस टाइम पे इंडिया चाइना रिलेशंस के बीच में, एंड कहीं ना कहीं बोथ दोनों कंट्रीज, दोनों देश एक दूसरे के पीछे टग ऑफ वॉर के चक्कर में पड़े हुए हैं कि कौन किसको किस जगह पे बीट कर सकता है। मालदीव्स के अंदर आपको पता है मैं काफी कवर करता हूँ उसके बारे में, वॉट इज द गेम, एंड नाउ देर इज ऑल्सो अनदर वन विच इज स्टार्टिंग अप इन भूटान, और ये अभी का गेम नहीं है, दिस इज एन ओल्डर गेम, सो इट्स नॉट समथिंग दैट शुड सरप्राइज अस। ये एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है भारत का, एंड स्पेशली विद रिगार्ड्स टू इंडिया चाइना रिलेशंस, एंड एज वेल एज अभी धीरे धीरे जैसे उभर के आ रहा है रीजनल एरिया के अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए भारत की जो मूव हुई है भूटान के साथ, लेट्स टॉक अबाउट दैट। Prime Minister of Bhutan, His Highness, His Excellency, not Highness, His Excellency, Dasho Tenshing Tobe, and he has come, bade young se, very energetic person, inke aapne, kal maine lecture suna inka, Fiki mein jo diya tha, very very energetic lecture,
यू नो एंड वेरी वेरी एनर्जेटिक पर्सन एज अ मैटर फैक्ट. इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी सबसे पहले जब प्राइम मिनिस्टर से मिले, वेरी पॉजिटिव. इट वॉज मोर देन जस्ट अ हैंड शेक, इट वॉज लिटरली अ जप्पी. मोदी साहब की जादू की जप्पी तो सबको पता ही है. सो दैट इज वॉट वॉज देयर एंड इट वॉज अ वेरी वेरी वार्म सॉर्ट ऑफ अ मीटिंग, जैसे ये दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो. दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट. और इसके बारे में मैंने ट्वीट भी करा था कि द बॉडी लैंग्वेज इज वेरी 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 यू नो वेरी वार्म एंड वेरी पॉजिटिव. लेकिन मोदी जी हैं, मोदी जी भी हमारे दुश्मन देश को सीधे तरीके से बोल रहे हैं, पंगा मत लेना नहीं तो खत्म कर दूंगा. अब खबर क्या है? खबर यह है कि चीन तड़प रहा है और उसके पता ही नहीं चल रहा कि सामने कौन खड़ा है. उसे ये समझ नहीं आ रही कि ये नेहरू का भारत नहीं है, ये मोदी का है. और मोदी ने भी सेला सुरंग बना दी और दिव्यास्त्र, उसकी पूरी डिटेल दूंगा आपको, वो बना दिया और साफ साफ संदेश दे दिया, मेरे से पंगा मत लेना, मतलब कि मेरे भारत से पंगा मत लेना, नहीं तो तुम्हें ये समझ नहीं आएगा कि सांस कहां से लेना है और हवा कहां से निकालनी है. हुआ क्या था, अब इसकी डिटेल में जाते हैं. आज एक समाचार आया कि 9 मार्च को एक समाचार आया कि भारत में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश, वही अरुणाचल प्रदेश जहां पर राहुल गांधी जाने से भी घबराता है क्योंकि चाइना नाराज हो जाएगा, मोदी जी अरुणाचल प्रदेश में चले गए. और उसके दौरे में चीन को ऐसी भड़क लगी है कि मैं बता नहीं सकता हूं. और चीन ने विरोध जताया और चीन ने क्या बोला है कि भाई जो उसका विदेश मंत्रालय है उसके प्रवक्ता वांग, सारे वांग ही होते हैं वहां पे, पता नहीं क्या चक्कर है, उन्होंने कहा कि जेगनान जो अरुणाचल प्रदेश का नाम चाइना ने रखा है क्योंकि तो चाइना बोलता है कि अरुणाचल उसे बिलोंग करता है. भाई वो उसकी हिम्मत कैसे होती है, क्योंकि राहुल गांधी ने पहले ही लिखकर दे दिया है चाइना को, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, अरुणाचल प्रदेश में आपको दे दूंगा, मेरे कौन से बाप की जगह है, ले जाओगे तो ले जाओगे, मेरे नाना ने भी आपको दे दी थी, मैं भी दे दूंगा. अब भारत वहां की स्थिति में बदलाव कर रहा है, ये चाइना बोल रहा है कि आप यहां पर टनल्स बना रहे हो, सड़कें बना रहे हो, ये जगह मुझे बिलोंग करती है, आप ऐसे काम मत कीजिए. और इससे जो सीमा का जो अपना मामला है, मैं सीमा हैदर की बात नहीं कर रहा, बल्कि जो अपना बॉर्डर चाइना के साथ लगता है उसका जो मसला है वो और भी ज्यादा जटिल हो जाएगा. ये कौन बोल रहा है? चाइना बोल रहा है भारत को. और जो जिनपिंग है वो अपने साथ MOU साइन की हुई कांग्रेस के साथ मिलकर जितना मर्जी षड्यंत्र रच ले, लेकिन उसे एक बात समझ लेनी चाहिए कि सामने अब ना तो नेहरू है और ना चाइना से खौफ खाने वाली मनमोहन सिंह की सरकार है, बल्कि उसके सामने आंख में आंख डालकर बात करने वाला मोदी है. और अरुणाचल प्रदेश किसी के बाप की जागीर नहीं है जो हलवा समझ के तुम खा लोगे चाइना वालों. अब आपको एक चार बात समझनी चाहिए कि चाइना की इतनी हिम्मत बनती कैसे है. ये जब कांग्रेस की सरकार थी उनके रक्षा मंत्री थे AK एंटनी, उन्होंने संसद में कहा था कि हम चीन की सीमा पर सड़कें जानबूझकर नहीं बनाते क्योंकि उससे हमें डर लगता है और हमें डर है कि चाइनीज सेना उन सड़कों से ही भारत में घुस सकती है. कोई नया फॉर्मूला मुल्क की अशद जरूरत है, वरना विफाक कंगाल और कंगाल होता रहेगा. फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स है उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहाँ पे चले गए हैं. बहुत ही बड़ी खबर के इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि $636 बिलियन क्रॉस कर चुका है. ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि सिर्फ और सिर्फ $7 बिलियन है. दूसरी तरफ
IMF ने पाकिस्तान के साथ अगले प्रोग्राम के लिए अपने मुतालिबात की एक पटारी फिर से खोल दी है। UPI को मॉरिशस एंड श्रीलंका के अंदर लॉन्च कर दिया गया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है। UPI पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करने वाला ऐप बन चुका है। अफसोसनाक खबर है, दहशतगर्दों का वजीरिस्तान के जिला मीरअली में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा। ये बड़ा दहशतगर्द हमला, एक से ज्यादा हमले वाले बन हुए शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरअली में, और सिक्योरिटी पोस्ट पे जो हमले हुए उनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी जवान शहीद हुए। तश्वीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान का जो मजमुई गर्दशी कर्जा है ये 5,700 अरब रुपए से तजावुज कर गया है। तो हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो रोजाना गिरावट का शिकार है। नए वजीर खजाना की आमद के साथ ही ये सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है कि क्या पाकिस्तान की मईशत IMF के शिकंजे से बाहर निकलेगी या नहीं। 20 से ज्यादा कंट्रीज में आज UPI चल रहा है। इसका फायदा ये है कि विद इन द कंट्री एंड आउट ऑफ द कंट्री विदाउट एनी टैक्स आप जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तान के पास जो टोटल रिजर्व पड़ा है बिलियंस में, जो कई बार कहते हैं कि 3 बिलियन है, कई बार कहते हैं कि 7 बिलियन है, जो भी हो, लेकिन इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी हो चुका है कि इंडिया जो अपने एक एक हफ्ते के अंदर इतना पैसा कमा लेता है या फिर अपने रिजर्व में एड कर लेता है। अब देखिए, पाकिस्तान के पास अगर 7 बिलियन है तो उसमें से 1 या 2 बिलियन जो है वो सऊदी के है, जो उन्होंने कहा है कि अब खर्च नहीं करेंगे, आपको IMF को दिखाने के लिए दिया गया है। UAE का भी पैसा उसी तरीके से है और कुछ चाइना का पैसा है। अगर उनका खुद का दम पर देखो तो 2 से 3 बिलियन ही है, और 20-25 करोड़ की पॉपुलेशन वाला कंट्री जब इस टाइप की सिचुएशन होती है तब मतलब सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि भाई ऐसी सिचुएशन कैसे आ गई। मतलब 20-25-30 बिलियन तो होने चाहिए थे उनके पास रिजर्व में, अगर ना अगर ऐसी कोई घटना हो गई पाकिस्तान के अंदर तो पैसे कहां से लाएंगे। वो बात अलग है कि घटना हो गई तो पूरी दुनिया उनको सपोर्ट करने के लिए कि भाई ठीक है ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर आ जाएंगे, लेकिन खुद के पास खुद के दम पर भी तो कुछ होना चाहिए। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं, और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। इतनी बड़ी खबर के इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि 636 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुका है। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि सिर्फ और सिर्फ 7 बिलियन डॉलर है। हम बात करेंगे पाकिस्तानी अवाम से, उनसे जानेंगे कि कौन सी पॉलिसीज हैं ऐसी जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स अपना रहे हैं और कौन सी पॉलिसीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान पॉलिसीज मेकर नहीं अपना रहे। बात कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी खबर हमारे सामने आई है कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि 636 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच चुका है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो सिर्फ और सिर्फ 7 बिलियन डॉलर है। क्या कहेंगे इस बारे में? असल में यह है कि इंडिया में जो है ना, वहाँ पे काफी देर से जमहूरी हुकूमत चल रही है, उनमें जो है ना सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं है, तो ये जो है ना बहुत बड़ी बात है। लेकिन पाकिस्तान में आप देखें, पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जो है ना कोई भी जो वजीर आजम है वो 5 साल अपने पूरे नहीं कर सका, तो इस वजह से जो है ना वो पॉलिसी जो है ना लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोई भी नहीं बनती। तो इस वजह से जो कोई भी हुकूमत आती है 2 साल है 3 साल है उसके बाद उसको हटा दिया जाता है, तो इस वजह से जो कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोई भी नहीं आ सकती तो वो नाकाम हो जाती है। इस वजह से जो है ना काफ़ी माशियात में इस्तेहकाम पैदा होता है और जो है बहुत सारे मसाइल हैं। इंडिया की जो IT इंडस्ट्री है वो बहुत तरक्की कर रही है। बिल्कुल सर, ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा आज जो इंडिया की तरक्की में है, अदर सेक्टर्स में भी उन्होंने बहुत तरक्की की है, लेकिन उन्होंने IT सेक्टर में बहुत ज्यादा तरक्की की है, जिस वजह से वो आज इस मतलब इतनी तरक्की कर रहे हैं। आगे मतलब दुनिया में जो भी मुल्क है तरक्की कर रहे हैं, अमेरिका है, चाइना है, तो वहाँ का जो IT सेक्टर है बहुत आगे है, बहुत ज्यादा पाकिस्तान की नस्बत। लेकिन पाकिस्तान में जो है ना अभी तक आप देखें कि IT सेक्टर का ये हाल है कि आप जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, वहाँ पे जो IT के स्टूडेंट्स हैं, जो CS के स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। 4-4 GPA वाले बच्चे हमने देखे हैं, उनको कुछ जो है ना प्रैक्टिकल कोई पता नहीं होता। उसका बड़ी वजह भी यह है कि यहाँ पर जो है ना सॉफ्टवेयर हाउसेज बहुत कम है, ये यहाँ पे उनको इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिलता, लेकिन इंडिया में जो है उनको इस तरह का इन्वायरमेंट मिलता है। वो अब थोड़ी देर पहले मैंने खबर सुनी थी कि जापान जो है उन्होंने इंडिया वालों को स्पेशल ऑफर किया कि आप हमारे बच्चे अपने बच्चे जो है यहाँ पे भेजें, स्कॉलरशिप हम उनको देंगे, उनको पढ़ाएंगे। इसकी वजह क्या है कि उन्होंने देखा है कि जो वो बेसिकली हमारे पाकिस्तान और इंडिया के जो दोनों तरफ के लोग हैं बहुत ज़हीन हैं,
आईटी सेक्टर उनको मौका मिला है तो वो बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन हम जो हैं हमें मौका नहीं मिला तो हम बहुत पीछे हैं। तो आगे दुनिया जो जितनी भी तरक्की हो रही है सबसे जो बड़ी जो वजह है ना आईटी है, तो आईटी सेक्टर में हम बहुत पीछे हैं। मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, बाकी चीज़ें भी बहुत सारी हैं लेकिन ये सबसे बड़ी वजह। सर क्या कहना चाहेंगे इंडिया के पॉलिसी मेकर्स के बारे में जिनकी जिनकी वजह से आज इंडिया इस मुकाम पे है? वैसे तो आप देखेंगे नरेंद्र मोदी पर यहाँ पे भी काफी जो है तनकीद की जाती है कि वो शिद्दत पसंद है, ठीक है, इंडिया में भी उस पर काफी तनकीद होती है, लेकिन हम इसको अगर एक साइड पे रखकर देखें तो उसने ऐसी पॉलिसीज जो है ना बनाई है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है उनकी कि जिसकी वजह से जो है ना वहाँ पे काफी इसके दौरे हुकूमत से पहले हमने भी देखा हुआ है तो इंडिया में था लेकिन इतना ज्यादा नहीं था, इसके दौरे हुकूमत जब से शुरू हुआ है उसके बाद जो है ना काफी डेवलपमेंट हुई है, उनका इकोनॉमिक मॉडल बहुत बेहतर है जी जी ऐसा कहा जाता है। अच्छा सर आपको क्या लगता है कि इंडिया आज के दौर में हर चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है अपनी कंट्री में, पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर रहा, पाकिस्तान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्यों नहीं काम कर रहा? असल में जो है ना जो भी ये आपने कहा कि काफी चीजें मैन्युफैक्चर कर रहा है तो इसकी जो हमारी जो है ना यहाँ पे जो जड़ है ना वो बहुत खोखली है। सबसे जो इसकी बुनियादी होती है ना वजह वो है जो यूनिवर्सिटी में तालीम दी जाती है ना वो है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में तालीम है वो सिर्फ थ्रेटिकल है, प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं। आप आईटी के सेक्टर में चले जाएं, फिजिक्स के रट्टा लगवा दिया जाता है यहाँ पे, बिल्कुल जो है ना रट्टा और प्रैक्टिकल बिल्कुल ना होने के बराबर है। और जब वहाँ से जो सबसे जाहरी बात है कि जो भी जितनी भी मैन्युफैक्चर होती है कोई भी मुल्क है तो वो जो पीएचडी एमफिल यहाँ से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं वो जो है ना इस पर रिसर्च करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे वो बिल्कुल जो है ना उनको कुछ पता नहीं होता। तो यहाँ यहीं से जो ग्रेस रूट से जो काम शुरू हो तो यहीं से हमारा सबसे बड़ा मसला यही है, तो जब यहाँ से काम शुरू होगा ये इस पर फोकस किया जाएगा जो यूनिवर्सिटीज पर तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम भी इस तरफ जा सकते हैं। अच्छा सर हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि 636 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है। ऑन द अदर हैंड अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ और सिर्फ 7 बिलियन डॉलर, और ऐसा कहा जाता है कि वो भी पाकिस्तान के अपने पैसे नहीं है बल्कि यूएई सऊदीया और या मतलब चाइना से लिया गया, तो क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले इसमें यह कहूंगा कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट नहीं आती है वो जो इंटेग्रिटी उसको शो करना चाहिए, वो जो भी गवर्नमेंट आए वो एक अवाम के एक फलाह बहबूद के लिए काम करे, न कि अपने जो उनके जाती मफादात होते हैं वो असम्बली में वो डिस्कस करें और उसको डिसेमिनेट करें। सेकंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो गवर्नेंस सिस्टम का आज तक जो लूप होल रहा है तो उसको पूरे होने की जरूरत है। हिंदुइज्म विथ ओवर 1.2 बिलियन फॉलोअर्स, बुद्धिज्म विथ मोर देन 535 मिलियन, एंड सिखिज्म with over 30 million followers worldwide are all subject to religiophobia. पत्थर बहुत मारे जाते हैं गैर मुस्लिमों को, यहाँ ईंटें बहुत मारी जाती है इनसे पूछ तूछ के लिए, इनकी जांच पड़ताल के लिए, यहाँ तक कि कमर के अंदर सिक्के भी जो है ना घुपाई जाती है बंद कमरों में ना, तो बहुत ज्यादा पाकिस्तानी। Clear evidence shows that over decades followers of non-Abrahamic religions have also been affected by religiophobia. मैं तो कह जिसको भी इंटरनेशनल पर्सन में जो भी आपको मैं कहती हूँ एक सिचुएशन कि आप पाकिस्तान बिल्कुल ना आए। इस बार भी जब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में इस्लामोफोबिया का ड्रामा रचा तो भारत ने उस पर भी उसे आईना दिखा दिया। भारत से एक स्टेटमेंट अमित शाह की बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि किसी के बाप में दम नहीं है कि वो CAA को भारत से खत्म करवा। मैं तो मानता हूँ मोदी जो है अपना राम का अवतार। हमारा पाकिस्तान जो है ये एक पावरफुल मुल्क है, इसके पास एटमी पावर भी है। लोग एक दूसरे को टक्करे मार रहे हैं, रोटी 76 साल बाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के की भारी अक्सरियत का मसला क्या है? रोटी यहाँ से सारे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ मैं भी खुद भी CAA के साथ निकल के यहाँ से चली जाऊँ। मामूल की बात है, मामूल की नहीं। नमस्कार दोस्तों, अब एक चीज समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। देखिए इस्लामिक प्रोपोगंडा, जरा आप सोचिए कि इस्लामोफोबिया कर के मतलब विक्टिम कार्ड खेल खेल कर ये जो इस्लामोफोबिया वर्ड है ना इतना फेमस कर दिया।
कि ये जो लोग हैं ना कहीं पर भी जाएंगे, जैसे पाकिस्तान से, ईरान से या फिर अफगानिस्तान से जाएंगे, खास करके पाकिस्तानी, ये नोट कीजिएगा, यूके जाएंगे, यूएस जाएंगे, फिर वहां जाकर राइड्स करेंगे, और अगर मान लीजिए कि फिर वहां की जनता थोड़ा परेशान होकर सामने जवाब देगी ना, तो विक्टिम कार्ड खेलने शुरू कर देंगे, और फिर जो लेफ्ट वाला मीडिया है वो भी उनको सपोर्ट करेगा, और फिर ये टर्म उछाला जाएगा कि देखिए यूएस में इस्लामोफोबिया है, यूके में है, इंडिया में है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में अदर रिलीजन के लोग सेफ रह पाते हैं? क्या ईरान है, अफगानिस्तान है, इराक है, सीरिया है, क्या वहां पर क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म कभी, जैन कभी आप इमेजिन कर सकते हो कि वहां एग्जिस्ट कर सकते हैं? रहने की बात तो छोड़िए, और पाकिस्तान में जो बची कुची माइनॉरिटी है क्या वो ठीक तरीके से रह पा रही है? तो अगर ये नहीं हो पा रहा है तो हम उनको हिंदू फोबिया, जैन फोबिया, सिख फोबिया क्यों नहीं कह सकते? लेकिन वही इकोसिस्टम तो उनका है। लेकिन यहां पर इसी बारे में चर्चा हो रही है, इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। दीज कंटेम्पररी फॉर्म्स ऑफ रिलीजियोफोबिया आर एविडेंट इन द इंक्रीसिंग अटैक्स ऑन रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप such as gurudwaras, monasteries and temples, as well as the spreading of hatred and disinformation against non-Abrahamic religions in many countries. The destruction of the Bamiyan Buddhas, violations of Gurudwara premises, massacres of Sikh pilgrims in Gurudwaras, attacks on temples, and the glorification of breaking idols in temples all contribute to the rise of contemporary forms of religiophobia against non-Abrahamic religions. It is crucial to recognize, Mr. President, that Hinduism, with over 1.2 billion followers, Buddhism, with more than 535 million, and Sikhism, with over 30 million followers worldwide, are all subject to religiophobia. It is time that we acknowledge the prevalence of religiophobia rather than just single out one. In this context, I would ask all member states to consider the broader scope of religious discrimination that persists globally. Pakistan ki foreign ministry office mein ek protest chal raha hai ki ye kanoon kyun Bharat ke andar nafiz kiya gaya hai, kya wajah hai iski, isko khatam kiya jaye. Amit Shah Bharat se ek statement Amit Shah ki bahut zyada viral ho rahi hai jisme unhone ye kaha hai ki kisi ke baap mein dam nahi hai ki wo CAA ko Bharat se khatam karwa de. Bharat ke andar CAA raj rahega, us par implementation bhi hogi aur hamesha ye qaim rahega taaki jo jo minorities deprived hai Bangladesh mein, Pakistan mein, Afghanistan mein, unko Bharat ki national मिल जाए, तो किसी में इतना दम नहीं है कि वो CAA को भारत में से खत्म करवा सके। इस खबर को लेकर चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उन्हें बताते हैं कि ये स्टेटमेंट आई है, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, ऐसा क्या हो रहा है नॉन मुस्लिम्स के साथ पाकिस्तान में, जो तमाम के तमाम नॉन मुस्लिम यहाँ से वतन छोड़ने के लिए तैयार है और बहुत से हिंदू चले भी गए हैं। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में एक एहतजाज चल रहा है, वो कह रहे हैं भारत ने ये बिल क्यों पास किया है। ये बहुत अच्छा बिल पास किया है कि जिसने पाकिस्तान छोड़ना और पाकिस्तान उठ के इंडिया चल जाए, CAA के जो है उन्होंने कहा गया है। नेट पे मैंने देखा था CAA के बारे में बता रहे थे कि जो जो आपको जहां जुल्म सह रहे हैं हिंदुइज्म और क्रिश्चनिटी जिसने भी हैं वो CAA के ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में और इन जुल्म से हट सकते हैं। उनको सिटीजनशिप भारत की मिल जाएगी, भारत की सिटीजन मिल जाएगी। हाँ वाकई जुल्म हो रहा है, जहाँ तक हो सके जितने यहाँ एहतजाज हो रहे हैं पाकिस्तान में और डिफरेंट जगह पे मजलूमों को मार मार के भगाया जा रहा है, कभी इधर से उधर उनको दर बदर, एक तरह से मुसाफिर ही होते हैं जो पाकिस्तान में आता है, तो अगर पाकिस्तान में इंसाफ नहीं दिया जाता मुसाफिरों को तो ये कहाँ के। मैं गैर मुस्लिमों की बात कर रही हूँ, गैर मुस्लिमों को पाकिस्तान में तहफ़ है? मैं इतना नहीं कह सकती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि गैर मुस्लिम जब पाकिस्तान में आते हैं तो बेचारे बहुत महंगाई का शिकार पहले तो देखते हैं, या घर वगैरह में कोई घुसने नहीं देता, और फिर उसके बाद लोगों का भी रवैया भी ऐसा होता है कि मुसलमान हिंदू कैसे हमारे घर में आ सकता है, तो फिर वो झोंपड़ियों में अक्सर गुजारा करते हैं, या कोई लोग मांगते तरान के फिर खाते हैं, तो यहाँ बहुत क्राइसिस होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, तो अल्लाह बेहतर करे सबके लिए। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया हुआ है कि इंडिया में CAA पास क्यों हुआ है, इंडिया में अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा किसी के बाप में दम नहीं है, CAA को खत्म करके दिखाए।
बहुत अच्छी बात है, किसी के बाप में दम नहीं होना चाहिए कि वो सीएए को खत्म कर सके। सीएए की सपोर्ट में सीए बहुत अच्छी बात है। जो आप देखे ना, एक इंसान अब दूसरी कंट्री में आया, उस बेचारे को कुछ भी नहीं मिल रहा यहाँ से। कंट्री में क्यों देखे, पाकिस्तानी हिंदू है भाई वो उनके पास देखे, जो यहाँ पर पैदा हुए हिंदू पाकिस्तान उनका भी तो है, तो उनको क्यों नौबत ही क्यों पड़ी है पाकिस्तान छोड़ने की? ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम उनको फैसिलिटेट करें पूरा? जाहिर है हर कोई मुल्क अपने मफाद के लिए जिंदगी गुजारता है और अपनी आज़ादी के ऊपर बहुत खुश होता है, खुरम होता है, लेकिन मुझे पाकिस्तान से बहुत एक बहुत खच्चा है कि यहाँ जो है ना आज़ादी कोई नहीं देते, और आज़ादी दे भी देना, हम अपने घर मुसाफिर हैं, ठीक है, जहाँ से भी आए हैं, लेकिन हम लोगों के पासपोर्ट चोरी हो जाते हैं, आईडी कार्ड चोरी हो जाते हैं। कहाँ से आए हो? इंग्लैंड से। नेशनलिटी मिल गई है? पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं मिलती। मुसलमान हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। भी नेशनलिटी नहीं मिल रही? मैं कन्वर्ट मुसलमान हूँ, लेकिन ये है कि कन्वर्टेड मुसलमान। हाँ जी हाँ जी। तो कौन से रिलीजन में थे? मैं क्रिश्चियनिटी में। क्रिश्चियनिटी में थे आप? जी। क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में आए हो? जी जी ठीक है जी। तो मुझे आए हुए काफ़ी साल हो गए पाकिस्तान, पहले मैं कराची आई थी, फिर इस्लामाबाद आई थी, अब लाहौर में सिटे हूँ, लेकिन मुझे यहाँ तो ना तो घर दिया जाता है, ना रिहाइश दी जाती है, पानी भी हमें इतनी देर आता है, सुबह सिर्फ एक घंटा पानी आता है। सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट जो है उसके लिए मोदी जी ने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है, और तीन फाउंडेशन स्टोन रखे हैं बेसिकली। ये कुछ अरसे बाद प्याज नहीं मिलेगा पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में शायद नहीं मिलेगा, जिस तरह से इसकी कीमत बढ़ रही है। उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.25 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। जी हाँ, इतना महंगा प्रोजेक्ट है और उसके लिए उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखे। ये बायस शर्मिंदगी है नाजरीन के पाकिस्तान वो मुल्क जो पांच दरियाओं का मुल्क है, यहाँ प्याज का रेट अगर आप सुनेंगे तो आपके कानों से धुएं निकलेंगे। एक और ब्रोकरेज हाउस जेफरीज जो है वो कहते हैं जी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027, दिस इज व्हाट जेफरीज आर सेइंग। भारत में इस तरह की एक्टिविटीज होती रहती है, जाहिर उनके पास पैसा है तो डिफरेंट प्रोजेक्ट जो है उसका इनॉग्रेशन भी होता रहता है। IMF के हवाले से जारी बातें चैलेंजेस तो हैं, मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, और अक्सर कहा जाता है दिल पर पत्थर रख के मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं। और फिर क्या हर हालत में पाकिस्तान को यह हासिल करना पड़ेगा, चाहे शराइत कुछ भी हो, कोई भी डिमांड करे IMF? मोहम्मद औरंगजेब साहब, उनको मिनिस्टर फाइनेंस बना दिया गया, वो डच शहरी हैं, हॉलैंड के वो शहरी थे, उनको हलफ उठवा लिया गया। पहली दफा हुआ कि कोई गैर मुल्की जो पाकिस्तान का शहरी नहीं है वो वफाकी काबीना का उसने हलफ उठाया। अब ये जो क्वेश्चन है कि इंडिया की जो इकॉनमी है कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी होगी मेजर G20 में, बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं डैडी टमाटर का कलर तो रेड होता है, मैंने कहा बेटा कराची में ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है। नमस्कार दोस्तों, हम सबको पता है कि ताइवान जो है वो सेमीकंडक्टर्स के मामले में मोनोपोली रखता है। अब पिछले दिनों जो कोरोना वाली सिचुएशन हुई थी उसमें यही दिक्कत हुई थी कि भाई जो ये ट्रांसपोर्टेशन की चेन थी ना वो डिस्टर्ब हो गई थी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग जितनी भी आइटम्स थी उसके प्राइसेस बढ़ गए थे। चाइना ने भी ट्राई किया कि भाई वो ये ताइवान की मोनोपोली तोड़े और खुद इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में नंबर वन हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन अब ताइवान खुद चाहता है कि भाई इंडिया के साथ मिलकर इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर्स के प्लांट्स जो है वो बनाए जाए और इंडिया से भी सप्लाई किए जाए, और तकरीबन हो सकता है कि 1.5 लाख करोड़ के, या फिर हुआ है 1.5 लाख करोड़ के यहाँ पर प्रोजेक्ट्स या फिर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पर देखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप देखोगे तकरीबन $20 बिलियन, अब देखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पर कि चाइना इस हिसाब से काम नहीं कर पाया जिस हिसाब से काम यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स को लेकर हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाले दिनों में चाइना को चैलेंजेस तो बहुत मिलने वाले हैं, लेकिन दिक्कतें भी बहुत बड़े लेवल पर खड़े होने वाले हैं बाय इंडिया। तो यहाँ पर ये बात हो रही है, इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। बात करेंगे मोदी जी की। जी हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात करेंगे। मोदी जी ने जी फाउंडेशन स्टोन रखा है सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए। जी हाँ, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट जो है उसके लिए मोदी जी ने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है, और तीन फाउंडेशन स्टोन्स रखे हैं बेसिकली, और
उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.25 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। जी हाँ, इतना महंगा प्रोजेक्ट है और उसके लिए उन्होंने फाउंडेशन स्टोन्स रखे हैं। लेकिन ये है कि भारत में इस तरह की एक्टिविटीज होती रहती हैं, जाहिर उनके पास पैसा है तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उसका इनॉग्रेशन भी होता रहता है, फाउंडेशन स्टोन्स भी रखे जाते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान अपने जो पैसा लेके, जो लोन लेकर अपने यहाँ कुछ काम करने की कोशिश करते हैं वो भी कम्प्लीट नहीं हो पाता। उसकी रीजन ये कि जाहिर है कि पैसा हम जनरेट कर ही नहीं रहे, हम पैसा कमा ही नहीं रहे, हम पैसा बना ही नहीं रहे, हम सिर्फ और सिर्फ लोन्स के ऊपर चल रहे हैं। तो लोन को पे करने के लिए मजीद लोन्स लेने पड़ते हैं, ये भी हमारे मिनिस्टर साहब का कहना है। मगर भारत की तरफ अगर हम देखें तो उन्होंने यकीनन इकोनॉमी में अपने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है। और जैसे कि मोदी जी का कहा जाता है कि जी उनका ताल्लुक गुजरात से है, वैसे गुजरात के लोग जो पाकिस्तान में हैं वो भी बिजनेस में बहुत अच्छे हैं, बिजनेस कम्युनिटी में ज्यादातर हमारे यहाँ भी गुजरात के ही लोग हैं। और यकीनन पाकिस्तान जो है वो ये सब कुछ देख रहा होगा, लेकिन बहुत से लोग हो सकते हैं पाकिस्तान में काम भी करना चाहते हो इस तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर पाकिस्तान को भी कुछ खूबसूरत बनाना चाहते हो, कुछ कंपनीज को यहाँ भी लाना चाहते हो कि कोई इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में भी आ जाएं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हमारे यहाँ अभी तक कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर, कोई ऐसी गवर्नमेंट, कोई ऐसे लोग नहीं आए जो हमें ये बता सकें या ये पाकिस्तान में कर सकें कि पाकिस्तान थोड़ा थोड़ा करके सही, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो, पाकिस्तान कमाना शुरू करे, अपने जो है वो ट्रेड ओपन करे और कई दूसरी चीजें जो इसमें पाकिस्तान कर सकता है। ऐसा नहीं कि लोग यहाँ पे टैलेंटेड लोग मौजूद नहीं है या यहाँ पे लोगों का दिमाग नहीं चलता। वैसे दिमाग तो वाकई पाकिस्तान में लोगों का बहुत ज्यादा चलता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसका बुरा हाल है। और उसकी मेन रीजन करप्शन भी है, उसके साथ साथ लोग इंटरेस्टेड इसलिए नहीं कि हर किसी के फैमिली जो है वो तो जी कोई किसी की लंदन में है तो किसी की अमेरिका में है तो किसी की दुबई में तो कोई कहीं है। मगर साथ आप ये भी देखें कि अगर हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखें तो उनकी फैमिली जो है वो इंडिया में ही है, उनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है। ये मैं तो खैर कह ही रही हूँ, लेकिन इमरान खान ने भी कहा था और वो भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप लोग गूगल करके चेक कर सकते हैं कि इमरान खान का भी यही कहना है कि मोदी जी के ऊपर किसी किस्म के करप्शन के चार्जेस नहीं है। पाकिस्तान के लिए पीएम मोदी की पॉलिसीज जैसी रही हो वो रही हो, हम मानते हैं कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली एटमोसफियर नहीं है, बहुत ज्यादा वेलकम पाकिस्तान नहीं है, लेकिन अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बेहतरीन काम किया है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो लेकर आए हैं। उसके साथ साथ पूरी दुनिया इंटरेस्टेड है कि वो भारत में जाके इन्वेस्टमेंट करे, जबकि पाकिस्तान का बिल्कुल उल्टा हिसाब है। मैं कंपेयर नहीं कर रही, जो बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि जी भारत के साथ कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन अपने से स्ट्रांग, अपने से बड़े, अपने से अच्छे कंट्री से सीखा तो जा सकता है। तो मैं भी सिर्फ सीखने को कह रही हूँ अपने पाकिस्तान के लोगों से कि भारत को देखें और भारत से सीखें कि किस तरह से उनकी इकोनॉमी आगे गई, किस तरह से उन्होंने अपनी एक रिस्पेक्ट बनाई है और कैसे उनकी जब कोई कंपनी आती है तो वो ये समझती है कि वो महफूज है, उसका उसका पैसा भी जो है वो वापस आ जाएगा, उसको प्रॉफिट भी होगा। और ये सब चीजें देखकर यकीनन पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है वो बहुत परेशान होती है। हमारे यहाँ जिस तरह के हालात हैं अभी वो सभी जानते हैं, उसमें बताने की कोई खास जरूरत नहीं, वैसे तो सब ने कई कई बार बताया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को देखते हुए अब हमें उम्मीद हो रही है कि जो हमारी हालत है हम इससे आगे जाने वाले नहीं है, पीछे ही जाएंगे। अब हमारे मिनिस्टर्स ने ये तो कह दिया है कि जी हम सैलरीज नहीं लेंगे, लेकिन ये नौटंकी भी कब तक चलने वाली है। ये कौम का असल में प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा ये है कि चने की दाल बहुत खाते हैं, इसीलिए इनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब रहती है। इनके चेहरे आप देखें पता लग जाता है कि हमारी कौम ने चने की दाल खाई हुई, चेहरे से पता लगता है ना। तो ये चने के दाल का रेट सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग नंबर्स। 5-5-6-6 टाइम्स दालों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, 5-5-6-6 टाइम्स जब से मैंने प्रोग्राम शुरू किया था। प्रोग्राम यहां शुरू किया था 2017 में, 2017 से आज तक 5-5-6-6 टाइम्स आटे की कीमत, 5-5-6-6 टाइम्स प्याज। अभी इनको दिखाना प्याज, ये दुनिया में एक्सटिंक्ट होने वाला है, ये कुछ अरसे बाद प्याज नहीं मिलेगा पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में शायद नहीं मिलेगा, जिस तरह से इसकी कीमत बढ़ रही है। ये बायस शर्मिंदगी है नाजरीन कि पाकिस्तान वो मुल्क जो पांच दरियाओं का मुल्क है, यहां प्याज का रेट अगर आप सुनेंगे तो आपके कानों से धुएं निकलेंगे। मैं आपको बताऊं, टमाटर जो सरकारी रेट के ऊपर कराची शहर के अंदर मिल रहे हैं, सरकारी रेट वाले हरे हरे टमाटर हैं। बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं डैडी टमाटर का कलर तो रेड होता है, मैंने कहा बेटा कराची में ग्रीन होता है।
येलो होता है, ऑरेंज होता है। क्यों? क्योंकि सरकारी रेट पे जो टमाटर मिल रहा है वो इसी कलर में मिल रहा है। अंग्रेज परेशान है, बोल रहे हैं टमाटर का रंग तो लाल होता है, पाकिस्तान में क्यों मुख्तलिफ कलर का मिल रहा है?